मेरा नाम जेपी गौड़ है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो ये सरकार उस पर अमल क्यों नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट को भी ओवर रूट करके आखिर हम लोगों का हक क्यों मारा जा रहा है। 23 मार्च को एक आदेश निकला, उस आदेश के तहत मानव पड़ी कमिश्नर ने ये कहा था देश के सारे कर्मचारियों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, लेकिन 31 मई 2017 को दूसरा आदेश निकाल के मुकेश कुमार ने मालूम पड़ी तो सारे लोगों को जो एग्जम्प्टेड ट्रस्ट के जो लोग थे, पब्लिक सेक्टर के जो सारे लोग थे, उन लोगों को बाहर कर दिया और बाकी लोगों को पेंशन देने की बात कही। पेंशन के रूप में 5,000 रुपया पब्लिक सेक्टर के लोगों का भी जाता था, 5,000 रुपया दूसरे लोगों का, फिर दूसरी बार रिवाइज हुआ 6,500 रुपया दूसरे लोगों का भी 6,500 जाता था। हम लोगों के यहाँ 52 में वो स्कीम आई, 71 में पब्लिक सेक्टर में लागू हुई, 95 में उसको फिर से रिवाइज किया गया। तीनों बार रिवाइज होने के बाद में हम लोगों को 66 साल से, मतलब हम लोग उसके पार्ट हैं, जो लोग मालूम पड़ी तो 14 साल से पार्ट हैं, उन लोगों को दे दी गई। और पब्लिक सेक्टर के लोगों को जिन्होंने इस देश के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई, उन लोगों को, पब्लिक सेक्टर के लोगों को पेंशन देने में ये सरकार इतनी आनाकानी कर रही है जिसका कोई हिसाब नहीं, मतलब उन्होंने वायदा खिलाफी कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो जेल में जाता है उसको 90 रुपये रोज खर्चे के रूप में देते हैं, और एक व्यक्ति जो कि मालूम पड़ी देश का निर्माण किया है उसको मालूम पड़ी 10 रुपये 15 रुपये रोज देते हैं। मियाँ बीवी को दोनों को जोड़ लो यदि मान लो तो 15 दूनी 30 होते हैं, 30 या 90, मतलब आप ये समझ लो कि मतलब खाने के लिए 15 रुपये में वो क्या खाए और क्या खाए और क्या ना, एक पानी की बोतल नहीं खरीद सकता दोनों यदि सोचें तो। आप ये बताइए इस सरकार को कौन रखना चाहेगा, यदि उन्होंने कोश्यारी कमेटी भी कम से कम नहीं दी तो हमारी संख्या यदि परिवार के साथ यदि जोड़ी जाए तो 51 करोड़ है। हम इस पूरे देश में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जय हिंद।